सपने हु नहीं देखहिं पर दोषा। सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। स्वप्न में भी किसी का दोष ना देखो। सपने हो नहीं देखे ही पर दोषा। हम बहुत बुरे हैं और आपने हमारी बुराई देखी, तो हम बुरे हैं और आपने हमारी बुराई देखी, इसमें आपका फायदा क्या है बताओ? आप बहुत बुरे हैं और हमने आपकी बुराई देखी तो हमें फायदा क्या? हाँ, हमने आपकी बुराई देखी तो हम आपको बता दें कि भैया ये बुरा काम मत करो, सही काम करो, बस। अब हम जवानियों को डिंडोरा पीटें कि फलाना आदमी बुरा है, इसमें हमारा क्या लाभ है? बुरे आप हैं और आपकी बुराई का प्रचार हम करें। आप लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, फलाने की बहू बहुत बुरी है। तो फलाने की बहू बुरी है ना, तुम्हारी तो अच्छी है, तुम क्यों किसी से कह रहे हो? फलाने की सास बहुत बुरी है, तुम्हारी तो अच्छी है ना, तो तुम क्यों किसी की सास का बुराई का बुरा का प्रचार, तुम क्यों? तुम बुरे के प्रचार प्रसारक हो क्या? अच्छा ये बताओ, इस संसार में ऐसा कौन है जो बुरा ना हो? नाम बताओ उसका जो बुरा ना हो। मैया कौन है वो जो बुरा नहीं है? इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई है, तो कुछ ना कुछ जोर से, यदि आप में अच्छाई है तो आप में अच्छाई और बुराई से ये दुनिया बनी है। सिर्फ अच्छाई हो ऐसा हो नहीं सकता, और सिर्फ बुराई हो नहीं सकता। ये सारी सृष्टि अच्छाई और बुराई से बनी है। अब आपको देखना ये है कि आपको अच्छाई और बुराई में से आपको एक्सेप्ट क्या करना है, ग्रहण क्या करना है, अच्छाई या बुराई। इसलिए बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोए, और जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना। सबसे बुरा कोई है तो हम स्वयं हैं, और सबसे अच्छा कोई है तो भगवान है। बुराई देखना है तो स्वयं की, ना सास की, ना ससुर की, ना पति की, ना पत्नी की, ना पड़ोसी की, ना जमाने की। सबसे बुरा कौन? आप लोग कहती हो कि हमारी पड़ोसन बुरी है, तो तुम्हारा क्या लाभ है? वो बुरी है ना, तुम क्यों उसके गुणगान कर रही हो? तुम्हारा तो समय बर्बाद हो रहा है। और किसी की बुराई यदि आप देखते हैं तो उस व्यक्ति की वो बुराई आप में आ जाती है, उसके पाप के भागीदार आप बनते हैं। आप क्यों देखते हैं किसी की बुराई? आपको बुरा लगे तो आप दूरी बना लो, बस। आप दूरी बना लो, हमें क्या करना कोई बुरा है। एक राजा के यहां ब्राह्मण भोज था। एक राजा ने अपने शहर, अपने नगर के गांव के सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बोले तुम्हारा भंडारा है, कल सवेरे 10 बजे आना भोजन करने के लिए। सारे ब्राह्मण गए, राजा का भंडारा खुले मैदान में खीर पक रही थी, बड़ी सी कढ़ाई थी उसमें खीर पक रही थी। तभी क्या हुआ, ऊपर से एक पक्षी सांप को अपने पंजों में दबा के जा रहा था। गरुण नाम का पक्षी सांप खाता है, तो वो पक्षी पंजे में सांप दबाए जा रहा था। तो
उसके पंजे से सांप छूट गया और खीर के बर्तन में जाके गिरा। वहां पर कोई था नहीं उस समय देखने वाला, और सांप खीर में गिरा तो सांप ने अपना जहर उगल दिया, तो वो पूरी खीर जहरीली हो गई। सांप तो जाके नीचे खीर के भगोने में बैठ गया, नीचे मर गया। अब खीर परोसी गई ब्राह्मणों को और वो जहरीली खीर थी। सारे पंडित जी सारे ब्राह्मण खीर खाके मर गए, एक साथ सैकड़ों ब्राह्मण मारे गए। हाहाकार मच गया, तहलका मच गया कि भाई इतने सारे ब्राह्मण कैसे मर गए। यमराज जी आए, कि देखो भाई इतना इतने ब्राह्मण मरे हैं, इन ब्राह्मणों की हत्या करने वाला कौन है, इन ब्राह्मणों का मुख्य हत्यारा कौन है, इन ब्राह्मणों का मुख्य हत्यारा कौन है, अब आप लोग बताओ। 100 ब्राह्मण मारे गए, क्या वो राजा हत्यारा है जिसने भंडारा कराया था? उत्तर दो। वो हत्यारा, वो हत्या ब्राह्मणों की किसे लगेगी, आप लोग बताओ? राजा को, सांप को, गरुण पक्षी को, या खीर बनाने वाले को? बताओ, उस उन 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसे लगेगा, किसे? राजा ने तो खीर में जहर मिलवाया नहीं, तो राजा को तो नहीं लगेगा पाप। गरुण जा रहा था अपना शिकार लेकर, तो गरुण तो अपना काम कर रहा था, गरुण को हत्या नहीं लगेगी। सांप के तो मुंह में जहर ही भरा है, तो उसका तो स्वभाव है जहर निकालना, तो उसको भी हत्या नहीं। बनाने वाला भी दोषी नहीं है, क्योंकि उसने जानकर तो जहर खीर में मिलाया नहीं। पर ब्राह्मण तो मर गए ना 100, अब वो हत्यारा कौन है? तो यमराज जी को काम मिला कि जाओ पता लगा कर आओ कि 100 ब्राह्मणों की हत्या करने वाला हत्यारा कौन है, ये हत्या किसके माथे पर लगाई जाए। सारी प्रजा बोली, यमराज ने सारे प्रजा का इंटरव्यू लिया, क्यों भाई क्या राजा जिम्मेदार है? लोगों ने कहा राजा तो हमारा बड़ा धर्मात्मा है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि राजा ने अपने एक सेनापति को निकाल दिया था नौकरी से, क्योंकि कुछ दुष्टता की होगी, कुछ गलत किया होगा। तो एक राजा ने अपने एक सेनापति को अपनी सेना से, अपने काम से निकाल दिया। तो जब उसे निकाला तो उसकी जो मां थी, उसकी मां को लगा राजा ने मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया, बड़ा दुष्ट राजा है। तो वो जा के सबको कह रही थी, हां ये राजा नहीं मिलाया होगा जहर, हां राजा नहीं मिलाया होगा, ये राजा नहीं महल मिलाया होगा जहर, 100 ब्राह्मणों की इसने हत्या की होगी। यमराज ने सुन लिया कि ये मैया निंदा कर रही है राजा की, ये मैया राजा की निंदा कर रही है, पूरी प्रजा कह रही है कि राजा अच्छा है, धर्मात्मा है, लेकिन एक ये मैया कह रही है। यमराज ने कहा ऐसा तुम क्यों कह रही हो? बोले इसने मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, इसलिए तू इसे दोषी बना रही है, तो तू निंदा कर रही है, इसलिए 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप तेरे सिर पर जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति निंदा करता है किसी की, जिसकी निंदा आप करते हैं, उसका सारा पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तो वो राजा की राज्य में पाप हुआ 100 ब्राह्मणों की हत्या, पर तुम निंदा करती पाई गई तो तुम भोगो अब। इसलिए किसी की निंदा चुगली ना किया करो, सामने वाले के पाप भी तुम्हारे माथे आ जाते हैं। हमें क्या करना, कोई कैसा, हमें अपने से मतलब रखना चाहिए।
तो वाठव जथा लाभ संतोषा और सपने हो नहीं देखे ही पर दोषा। सपने में भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए।